आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वीजीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीजीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड कंसेप्ट चल रहा है। कोड कंसेप्ट में हम आपके साथ बातचीत करेंगे सीट इवेंट के बारे में। जी हाँ, सीट इवेंट के बारे में बात करेंगे विजया जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ और मैं रिकॉर्डिंग परमिशन दे दिया है आपको। सीट इवेंट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि बेसिकली जो माइक्रोज होते हैं उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, हर एक सेंटेंस का पार्ट होता है ना, ऐसे हर एक लाइन ऑफ कोड के यहाँ भी पार्ट होता है। इसको ऑब्जेक्ट एंड मेंबर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो चार तरह की है, एप्लीकेशन, वर्कबुक, सीट एंड रेंज। हम वर्कबुक पे डिस्कशन कर चुके हैं, इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं शीट के ऊपर। जैसे कि आपको शीट के ऊपर करना है काम, तो चलिए शीट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शीट की कॉलिंग मेथड्स की जानते हैं कि हम एक शीट से दूसरे शीट पे जाएंगे कैसे। शीट जैसे आपने बताया था वर्कबुक का होता है वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक, ये होता है। तो दो चीजों से कॉल करते हैं। ऐसे शीट के भी कॉलिंग मेथड होते हैं। एक चीज और जानिए कि वीवीए में जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के लिए आप जो है अपर केस या लोअर केस किसी का यूज करेंगे, आप टाइटल केस भी नहीं करेंगे। जैसे मुझे अगर लिखना है शीट वन डॉट सेलेक्ट, तो जैसे मैं एंटर मारूंगा मेरा एस कैपिटल हो जाएगा। एस कैपिटल हो गया, इसका मतलब है कि कोड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एस कैपिटल नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इससे एक फायदा होगा कि अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक होती है तो उसका यूज आप कर सकते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका क्या दिक्कत, क्या है, क्या दिक्कत है, तुरंत आप देखोगे हाँ स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे यहाँ पे देखा था आपने एक्टिव वर्क बुक में बुक छोड़ दिया था मैंने, तो टाइटल केस में नहीं गया था, फिर मैंने बुक डाला था लेकिन चला गया। तो विजय जी, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपने क्या सीखा कि प्रोग्रामिंग करते समय आप अपर केस या लोअर केस में करेंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने सीट वन डॉट सिलेक्ट किया या सीट वन डॉट सिलेक्ट या फिर सीट डॉट सेलेक्ट और एक्टिव, ये सीट के कॉलिंग मेथड। बाद में जो हमने सिलेक्ट कर रखा है वो सब कुछ जो है सब में सेम होता है, तो सिचुएशन के हिसाब से इन चारों में से कोई एक लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीट वन डॉट सेलेक्ट क्या है। क्योंकि हर शीट के दो नाम होता है, प्रॉपर्टी नेम एंड कैप्शन नेम। कैप्शन नेम मतलब जो बाहर दिख रहा है आपको, ये जो बाहर शीट वन दिख रहा है इसका मैंने डबल क्लिक किया, इसका नाम कर दिया डेटा। ओके, डेटा कर दिया, ये हो गया डेटा। तो मतलब ये जो सीट वन वाला पार्ट है एक, इसमें मुझे डेटा लिखना पड़ जाएगा क्योंकि कैप्शन नेम में चलता है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नेम जो यहाँ आपको दिखता है ब्रैकेट से पहले, इसको प्रॉपर्टी नेम और ब्रैकेट में कैप्शन नेम कहते हैं। तो हम प्रॉपर्टी नेम से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नेम से क्या हुआ, सीट वन हमारा हो गया, राइट। कैप्शन नेम से हमें इन्वर्टेड कॉमा में बीच में उसका कैप्शन नेम हमें डालना होगा। ये होता है सीक्वेंस नंबर, जैसे कि पहले पोजीशन पे कौन सा है। अगर मैंने सीट थ्री को पहले पोजीशन में कर दिया तो सीट थ्री को एक्टिवेट करेगा, कॉल करेगा, एक्टिवेट करेगा। और एक्टिव सीट तो पता ही है, एक्टिव सीट होगा।
तो ए आपका प्रॉपर्टी नेम हो गया, ए आपका कैप्शन नेम हो गया, ए आपका सीक्वेंस नंबर से हो गया, ए आपका एक्टिव शीट हो गया। अब सिचुएशन जानी है, जैसे मान लीजिए कि आपकी फाइल बार बार रिनेम हो रही है, मतलब फाइल नहीं सीट रिनेम हो रही है। मान लीजिए ना कि इस महीने हमारा सेप्टेम्बर का डेटा है, तुमने सेप्टेम्बर का डेटा और रिपोर्ट बना दिया, अगले महीने हम कोई नई फाइल नहीं लेंगे या कोई नई शीट नहीं लेंगे, इसी का डेटा क्लीन करेंगे और इसका सेप्टेम्बर से इसको अक्टूबर कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या दिक्कत होगा कि यहाँ डेटा को मुझे अक्टूबर करना पड़ेगा, बट ये ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि जो रिनेम होता है, जो यूजर नेम करता है, वो सिर्फ कैप्शन को करता है, प्रॉपर्टीज को प्रोग्रामर ही कर सकता है। प्रॉपर्टीज भी रिनेम होते हैं, जैसे कि मैंने अगर यहाँ शीट थ्री को सिलेक्ट किया, नेम शीट थ्री, और इसका नाम कर देता हूँ मान, तब शीट थ्री को कॉल करना होगा, तो मैं शीट अक्टूबर को कॉल कर सकता हूँ या फिर मंथ लिख सकता हूँ मंथ, ठीक है। और जो कैप्शन नेम है वो यूजर आसानी से चेंज कर सकता है, और जो प्रॉपर्टी नेम है उसको सिर्फ प्रोग्रामर चेंज कर सकता है, जिसको कोड का एक्सेस है वो चेंज कर सकता है। दूसरी चीज होता है कि हम कैप्शन नेम में अकॉर्डिंग कब चलेंगे, जब आपका रिपोर्ट का नेम है, जैसे कि समरी या डेटा। तो डेटा क्या हुआ कि पिछले महीने का डेटा को हमने सीट को डिलीट मार दिया, नई शीट हमने ऐड किया, उसका नाम डाल दिया डेटा। इसमें दिक्कत क्या होगा कि प्रॉपर्टी नेम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तो जैसे सीट डिलीट होकर नया इंसर्ट होगा, प्रॉपर्टी नेम नया आ जाएगा सीट वन। खैर, तो हमें यहाँ प्रॉपर्टी नेम को चेंज करना पड़ेगा या फिर हमारा कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो उस केस में हम यूज करेंगे अपना कैप्शन नेम डेटा, क्योंकि नेम हमारा फिक्स है। दूसरा आता है, ये हमारा आपको दिख रहा है सीट वन, मतलब सीक्वेंस नंबर। जब पता ना हो कि सीट का प्रॉपर्टी और कैप्शन नेम क्या है, तो उसके हम पोजीशन से, मतलब कि कंटिन्यूस चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फोल्डर में 10 फाइलें हैं, 10 फाइलों का डेटा कॉपी पेस्ट करना है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो आपको पता नहीं कि उसके सीट का नाम क्या है। आप उसे पोजीशन से 1 sheet 2 sheet 3 sheet उठा सकते, या तो काउंट निकाले सीट डॉट काउंट, और उस काउंट के हिसाब से आप लूप का यूज कर सकते हैं। और एक्टिव सीट तो पता ही एक्टिव सीट होता है। तो सीट का कॉलिंग में तो समझ में आ गया विजय जी? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब शीट पे क्या क्या हो सकता है, सबसे शीट को ऐड करना, शीट डॉट ऐड, आपने एक शीट ऐड कर दिया। लेकिन शीट ऐड कहाँ हुआ, जो एक्टिव शीट है उससे पहले, बिफोर द एक्टिव शीट। बट मुझे पता करना है कि मुझे जो ऐड करना है वो सबसे लास्ट में या फिर किसी शीट के बाद ऐड करना है, स्पेस मार्क से बिफोर और आफ्टर आ जाता है। मुझे बिफोर करना है तो इसी पे लिख दूंगा शीट, और मुझे मान लीजिए कि डेटा शीट के पहले करना है, लेकिन मुझे डेटा शीट के बाद करना है तो मुझे एक कॉमा करके बिफोर को ब्लैंक करना पड़ेगा, तो हमारा डेटा शीट के बाद आ जाता है। आप मान लीजिए कि मुझे नाम नहीं पता लेकिन लास्ट में ऐड करना है, तो 1 2 3 है हमारा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3, तो 3 शीट के बाद ऐड होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हर बार 3 शीट होगा इसकी गारंटी है, तो यहाँ लिखेंगे शीट डॉट काउंट, तो शीट की काउंट निकाल लेगा, और ये हमारा फुल्ली डायनेमिक कोड हो जाएगा कि जब भी हम शीट ऐड करेंगे वो सबसे बाद में ही ऐड करेगा। उसी के बाद यहाँ पे आता है काउंट, शीट का काउंट करना। डिफॉल्ट आपका एक सीट ऐड होगा, लेकिन आप चाहते हैं 5 सीट हो, 10 सीट ऐड हो, तो एक बार में 5 सीट को ऐड कर दो। तो सीट या फिर आप डायरेक्ट सीट ऐड भी कर दो तो भी चलेगा। अभी सीट जो ऐड हुआ उसको नेम करना है, तो हमें पता है कि जो सीट ऐड हुई है उसी वो एक्टिव है, एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू हमने कर दिया
समरी। देखिए मुझे समरी नाम का सीट ऐड ही करना है, पहले से प्लान है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू समरी। तो सीट ऐड करना और उसको रिनेम करना संबंध आ गया। विजय जी हाँ, एक चीज बताइए मुझे। हाँ ये एक्टिव शीट है, जो भी मेरा एक्टिव शीट रहेगा आप इसका बता रहे हो उसका नाम समरी रहेगा, और ये मुझे पता है कि कोई मैं नया शीट जब भी ऐड करूंगा तो उसका, इसलिए हम लोग ऐड डाल के उसका समरी डाल रहे हैं। हाँ, जैसे हमने आप लोग वर्कबुक बताया था, हमें वर्कबुक ऐड किया तो बाद में सेव किया था, और जब पहले से पता है हमें कि हाँ हमें फाइल क्रिएट ही करना है इस नाम से, तो हमें डायरेक्ट लिख दिया था एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज डॉट नेम, सॉरी एक्टिव वर्कबुक डॉट ऐड डॉट सेव एज, और उसके बाद पाथ दे दिया था ना। सेम उसी तरह से मान लो कि सीट ऐड करनी है, उसके बाद सीट पे कुछ करना है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, डेटा कॉपी करना, पेज करना वगैरह वगैरह, तो लास्ट उसका नाम रिनेम करने के लिए उसका यूज कर सकते हो, समझ गए। और सीट का नाम क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ कैलकुलेट हो, जैसे कि डेटा हमने कैसे पेश किया, टोटल नंबर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग नाम लिखना हो, तो उस केस में इस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए। लेकिन जब मुझे फाइनल है कि भाई मुझे समरी नाम का सीट ही ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐड कर दे, ये दो लाइन तो लिखे हम, बात समझे। हालांकि आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको अगर डायरेक्ट ऐड करना है तो आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा, तो आपके कॉमन सेंस से यूज किया जाए। जैसे होता है ना, आपने किसी को बोला कि भाई नेहरू प्लेस जाना, और फिर तो आगे चला गया, अच्छा जा रहे हो नेहरू प्लेस तो फलाना सामान ले लेना, तो दो वाक्य हो गए। तो उसमें गैप बीच में पड़ गया, आपने सोचा, आपने पहले बोला नेहरू प्लेस जाओ, अब आपको दिमाग में नहीं आया कुछ सामान भी लेना है, तो आपने बोला है भाई नेहरू प्लेस जा रहे हो सामान भी ले लेना, तो दो वाक्य हो गया ना, तो बीच में आपका समय लग गया ना सोचने का। लेकिन आपको फाइनल है कि नेहरू प्लेस जाके फलाना सामान लेना है, तो आप बोला भाई नेहरू प्लेस जाओ सामान ले आओ, एक सेंटेंस हो गया। क्योंकि सामान लाना पहले से फिक्स था, उसी तरह से सीट को रिनेम करना, फिर इस नाम समरी नाम का सीट लेना है, इसलिए फिक्स है, हम एक लाइन में लिख देंगे। अब सीट ऐड करना है, फिर कुछ करना है या नहीं भी करना है, जरूरी नहीं करना ही है, नहीं भी करना है, हमने समरी नाम दे दिया, तो इससे पता चलता है कि हमने बाद में डिसाइड किया कि समरी नाम देना है, समझ गए। देखिए अच्छा ये बताइए, आप एक सब टीवी पे चिड़ियाघर आता था, एक चैनल तो उसको एक शो आता था चिड़ियाघर नाम का, देखे थे आपने चिड़ियाघर, क्या बोले आप, एक सब टीवी पे चिड़ियाघर नाम का एक शो आता था स्टार्टिंग में, देखते थे। हाँ हाँ देखे थे आप। हाँ उसमें कैरेक्टर था गधा प्रसाद। हाँ उसको हर चीज डिटेल में बतानी होती थी, आप उससे बोल दिया कि जाके पानी लाओ तो बाल्टी में पानी ले आना पड़ता था, उसको आप पीने के लिए पानी है तो उसको बोलना पड़ता था जाओ गिलास में पीने के लिए पानी ले आओ मुझे पीना है, तब वो परफेक्टली वर्क करता था। सेम चीज यहां भी है, आपको यहां पे क्लियरली लिखना पड़ेगा, वीवीए खुद से नहीं सोचेगा, ये समझिए कि बिल्कुल गदा प्रसाद है, समझे। तो आप एक बार सोच रहा कि हो जाएगा, नहीं आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या था कि फाइल इसमें क्या बोलते हैं एरर आ रहा था, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम का फोल्डर बना हुआ था, तो आपको पहले बताना पड़ा कि अगर एरर आया तो उसको इग्नोर करो, तो खुद से इग्नोर नहीं करेगा, आपको ये चीज कंफर्म करना पड़ेगा। सेम चीज यहां भी कि आपको सीट को मेन बाद में देना है या साथ में देना है, कि आपको डिसाइड करना, आप यहाँ बोलेंगे तो करेगा, नहीं तो खुद से नहीं करेगा, खुद से जो डिफॉल्ट नेम है वो ही रखेगा, समझे। अब सीट को हमने ऐड किया तो सीट को मूव करना है, जैसे मान लीजिए इसी सीट को मुझे मूव करना है या कॉपी करना है, तो कैसे होगा देखिए, इसके भी कुछ तरीके हैं, देख लीजिए ध्यान से।
अगर मैंने लिखा, अब मैं प्रॉपर्टी नेम चल रहा हूँ, ठीक है, अक्टूबर का प्रॉपर्टी नेम क्या है, मंथ, मंथ डॉट मूव, हमने सिर्फ लिख दिया मंथ डॉट मूव, तो क्या करेगा कि यहां से राइट क्लिक करेगा, मूव एंड कॉपी पे करेगा, क्रिएट कॉपी पे क्लिक नहीं करेगा और सीधे नया फाइल में मूव कर देगा और वही फाइल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, समझे? ओके। बाद में उस फाइल को सेव करना है तो आप एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव सेव एज करवा लीजिए और यहां पे पास और फाइल नेम दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको मूव करना है सेम फाइल में, सेम फाइल में मूव करना है, जैसे मुझे डेटा के बाद इसे उठा कर रख देना, तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा बिफोर या आफ्टर। तो मैंने बिफोर को स्किप किया, आफ्टर पे गए और हमने बोला सीट डेटा या जो भी सीट की कॉलिंग मेथड है वो देना पड़ेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ठीक है, मूव हो जाएगी। लेकिन मुझे किसी और फाइल में करनी है, लेकिन वो नई फाइल नहीं है, वो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है, जैसे कि बुक टू, समझे? तो यहां पे आपको उसका पाथ देना पड़ेगा वर्क बुक और यहां पे हम लिखेंगे बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स या एक्सएलएस एम, बट वो फाइल ओपन होना चाहिए। अगर वो फाइल ओपन नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे उस फाइल को ओपन करेंगे वर्कबुक्स डॉट ओपन, ठीक है, फिर उसके बाद हम पास देते हैं जिस पास को ओपन करना है, उसके बाद फिर हमारा फिर क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वर्कबुक्स बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्सएम एक्सएलएस एम डॉट एक्टिवेट, समझे? अगर नहीं है तो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, मूव हो जाएगा। तो मूव समझ में आ गया? और मूव के जगह पे अगर मूव के जगह पे कॉपी करना है तो सिंपल यहां पे आप कॉपी लिख दे, समझ गए? बाकी सेम होता है, बस मूव के जगह पे कॉपी कर दे। मूव से मतलब कट पेस्ट हो जाएगा, ये मूव ये कॉपी से कॉपी पेस्ट हो जाएगा जी, मतलब कि वो राइट क्लिक करेगा ना, मूव करेगा, मूव एंड कॉपी, उसे क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर देगा, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे हम लिखते हैं हाँ, अब मान लीजिए मुझे हाइड करना है, तो मंथ डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल शीट हिडन कर दिया, तो क्या होगा, राइट क्लिक करके जो हाइड होता है ना वो हाइड करेगा, कोई भी इसको इजिली अनहाइड कर सकता है, बट आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन यूजर जो है हाइड ना कर सके, वो प्रोग्रामिंग के जरिए ही हाइड अनहाइड हो, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां मंथ डॉट विजुअल इक्वल टू वेरी हिडन। अगर आपने वेरी हिडन कर दिया तो सीट को अनहाइड करने का दो ही तरीका होगा, एक उस सीट की प्रॉपर्टी पे जाएगा और यहां से वो चेंज कर सकता है, और दूसरा कोड के जरिए कि मंथ डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल शीट विजुअल, समझ गए? और वीवीए टूल्स में तो आप ये क्या करते हैं, ये लगा सकते हैं ना, माइक्रो ऑप्शन पे जाके पासवर्ड प्रोजेक्ट ऑप्शन में टूल्स वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन लॉक और यहाँ पासवर्ड दे सकते हैं, तो बिना पासवर्ड के कोई आपकी फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, राइट सर? ये लास्ट वाला बताइए, नहीं बताइए मंथ डॉट विजिबल एक्सेल शीट विजिबल, ये क्या की है? ये विजुअल करेगा, अनहाइड करेगा, ओके अनहाइड, ठीक है, ठीक है ना, इसने हिडन किया, इसने वेरी हिडन किया, हिडन में क्या होगा, यूजर बाहर से राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता है,
वेरी हिडन में वीवी के एक्सेस चाहिए होगा, कोड के जरिए ही होगा। कोड कौन सा होगा? ए कोड होगा, समझ गए। अब हमने हाइड एंड हाइड कर लिया, अब बात करते हैं प्रोटेक्ट की। जैसे मुझे मंथ को पासवर्ड डालना है तो मंथ डॉट प्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, और यहाँ पे और भी बहुत सारे चेकबॉक्स है, मतलब जब हम राइट क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं तो इतने सारे चेकबॉक्स आते हैं, तो जिस पे क्लिक करना है उसका ऑप्शन आपका वहां दिया हुआ है, राइट। वो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, बाद में इसको आप अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, मंथ डॉट अनप्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। जनरली सीट में इतना ही करते हैं ना, हम सीट ऐड करते हैं, हम सीट को रिनेम करते हैं, हम सीट को मूव करते हैं, हम सीट को कॉपी करते हैं, हम सीट को हाइड करते हैं, हम सीट को अनहाइड करते हैं, यही करते हैं ना सर। और तो कुछ नहीं करते ना सर। नहीं, मैक्सिमम यही। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से करें, अगली क्लास में हम आपके साथ इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, और प्रोजेक्ट आपको करना होगा सर, मुझे नहीं, ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैंने किया है, एक प्रोजेक्ट आपका ही तो बनता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, मिलते हैं कल। कल तो सैटरडे, मंडे करेंगे ना। हाँ मंडे, तो मंडे क्या 6:15 बजे क्या टाइम पे मंडे? हाँ इसी टाइम पे करेंगे, ठीक है 6:15 तक ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बाय।